हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू योर चैनल इंजीनियर जॉब्स वर्ल्ड। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई हुई है, ये आपने देखा होगा कि जूनियर इंजीनियर्स 2022, जी हाँ, ये रिक्रूटमेंट आई है और इसमें ओनली इंटरव्यू होना है। ओनली इंटरव्यू बेस्ड पे ये वैकेंसी होने वाली है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि आई है CSIR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च से। दोस्तों, ये जो नोटिस है ये डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू का है और ये कब आई है दोस्तों, 12/9 को ये वैकेंसी आई है। अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसमें डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। इसके साथ साथ इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात कर लें तो सिर्फ डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही इसमें एलिजिबल है। ब्रांचेस की अगर बात कर लें तो ब्रांचेस के जो इसमें एलिजिबल है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अप्लाई ज़रूर कर दें क्योंकि ये ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी बेस होने वाली है। अगर किसी ने अभी तक इसमें अप्लाई आगे बढ़ के कर दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अब अगर नहीं किया हो और जो इस चैनल पे अभी न्यू है वो सब्सक्राइब कर ले, एज वेल एज जो इस अभी वीडियो देख रहा है वो एक तरह लाइक का बटन दबा दे। ऑब्वियसली आपके एक लाइक से ऑलरेडी आपके जानने वालों तक ये वीडियो पहुंच जाएगी, क्योंकि आपका लाइक जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए भी और आगे वालों के लिए भी। तो दोस्तों, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो अपॉर्चुनिटी आप देखेंगे, इसमें टोटल जो वैकेंसी रहने वाली है जी, ये टोटल वैकेंसी रहने वाली है 56। अब इसके नीचे भी दूसरी वैकेंसी भी अगर देखेंगे, इनमें वैकेंसी रहने वाली है 31। तो टोटल जो मिला के हैं 87 वैकेंसी के लिए है और इसमें स्टाइफंड रहने वाला है, मतलब जो सैलरी रहने वाली है वो 25,000 रुपये से स्टार्ट होगी। इसके साथ साथ अगर 31,000 तक इसकी जाने वाली है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो अभी जॉब सर्च कर रहे हैं या अर्जेंट में जॉब चाहते हैं, क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकलेगा वो अर्जेंट बेसिस पे निकलेगा, क्योंकि अगर इनको अगर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते तो इसमें बहुत टाइम लगता है, इसीलिए इन्होंने क्या है कि डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड वैकेंसी निकाल दी है। दोस्तों, इसमें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सबसे पहले बात कर लें, अगर आपके 65% मार्क्स, 65% का क्राइटेरिया इन्होंने साफ साफ रखा है, जो कि आपको दोनों ही वैकेंसी के अंदर देखने को मिलेगा, तो 65% मार्क्स आपके होने चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपके पास कोई कोई SC ST से रिजर्वेशन से बिलोंग करता है तो 60% मार्क्स हो जाएंगे, और अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर से कर रहा है तो मैक्सिमम 62% तक मार्क्स इसमें वैलिड है। वैसे जहां तक मेरे को लगता है कि इंजीनियरिंग में 60 और 65 सभी के होंगे तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन कहां कहां एलिजिबल है उनके लिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें रहने वाली कहां है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी रहने वाली है, पावर जनरेशन में आपकी रहने वाली है, इसके साथ साथ ब्लास्टिंग ऑफ ओबी रिमूवल में होने वाली है, और या फिर जो क्रेस्टोन बाइक्रॉइड है CCNT उसमें आपकी रहने वाली है, और पावर जनरेशन ऑफ कोल में भी आपकी वैकेंसी रहने वाली है। अब ये TTPS, जैसे TTPS है थर्मल पावर प्लांट, MTPS है या टैंगेंडो है, ये जो है ये प्लांट्स के नाम है जिसके अंदर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। अगर बात कर लें इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और कौन कौन कहाँ कहाँ एलिजिबल है, अगर आपने ऑल 3 ईयर्स BSc या फिजिक्स से कर रखी है तब आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ अगर आपने 3 ईयर्स बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर बायोटेक्नोलॉजी, और अगर आपने डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग से एज वेल एज सिविल से एज वेल एज कंप्यूटर इंजीनियरिंग से कर रखा है, तो आप इस वाले में MLP 149 में आप सबमिट कर सकते हैं। इसका कैंपस कहाँ रहने वाला है, धनबाद में। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी हम देख लेते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी के लिए है BSc इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से आपकी BSc होनी चाहिए तो अब आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ दूसरी जो है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तब भी आप एलिजिबल हैं इसमें। इसके साथ साथ ऑल 3 ईयर्स वैकेंसी, मतलब जो ऑल 3 BSc कर रखी है आपने जियोलॉजी से, तब भी आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ माइनिंग इंजीनियरिंग वालों के लिए भी वैकेंसी है जिसमें 661 वैकेंसी है, और इनकी सबकी लास्ट डेट भी साइड में दी गई है जिसको आप देख सकते हैं। ये इंटरव्यू डेट रहने वाली है, तो इंटरव्यू डेट भी अगर आप सिविल वालों के लिए देख लें तो 27/9 रहने वाली है, मैकेनिकल वालों के लिए देख लें तो 7/10 रहने वाली है, मतलब 7th of October, और मैकेनिकल 1 October भी रहने वाली है, और इसके साथ साथ अगर माइनिंग वालों के देख लें तो 10th of October भी रहने वाली है। तो ये जो वैकेंसी थी ये थी जूनियर इंजीनियर के लिए, मतलब असिस्टेंट प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए इज इक्वेलेंट टू जूनियर इंजीनियर। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है इंजीनियर इक्वेलेंट टू प्रोजेक्ट एसोसिएट, मतलब इक्वेलेंट टू इंजीनियर। तो मतलब अगर प्रोजेक्ट एसोसिएट बोला जाए तो इक्वेलेंट टू इंजीनियर होता है, दैट्स वाई मैंने अपना जूनियर इंजीनियर अपने थंबनेल में मेंशन कर दिया था। इसमें टोटल वैकेंसी जो है 31 होनी चाहिए तब आप एलिजिबल हैं, मतलब 31 वैकेंसी है। इसके साथ साथ आपकी जहां वैकेंसी जो मैंने आपको बताया पहले TTPS में, OCL में, CGL में, यहां वैकेंसी रहने वाली है।
अगर आप देख रहे हैं इसमें भी इन्होंने 65 का क्राइटेरिया दिया है, 65% आपके मार्क्स होने चाहिए तब आप एलिजिबल हैं। अब इसमें आपकी बीटेक बीई बीटेक कंपलसरी मांगा है, तो जो ऊपर वाला था वो डिप्लोमा वाला था, ये वाला बीई बीटेक मांगा है। तो बीई बीटेक में इन्होंने क्या मांगा है जी, अब आप देखेंगे बीई बीटेक आपने कर रखी हो कहाँ से, बायोटेक्नोलॉजी से या फिर सिविल इंजीनियरिंग से, तब आप इस वाली वैकेंसी के लिए एलिजिबल है जिसका कोड है MLP 150। और इसका जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो है 27/9/2022। अगर दूसरी वैकेंसी देख लें, डायरेक्ट आ रही है बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, इसके लिए भी दो कोड है SSP 658, SSP 699। इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 27/9, मतलब 27 सितंबर। नेक्स्ट अगर देखेंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री अप्लाइड केमिस्ट्री, तो अप्लाइड केमिस्ट्री और ये केमिस्ट्री में अब यहाँ रहने वाली, इसके साथ साथ बीई बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर आपने बीई बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है, ये डजेंट मैटर आपका 2022 पास आउट है, आप 2021 पास आउट है, 2019 पास आउट है, 2018 पास आउट है, 2017 पास आउट है, बस कुछ एज क्राइटेरिया है वो उस नॉर्म्स के अंदर आप आने चाहिए। तो दोस्तों इनकी डायरेक्ट इंटरव्यू की डेट है 39th, मतलब 30 सितंबर। इसके साथ साथ आपने बीई बीटेक माइनिंग से कर रखी हो तो उसकी इंटरव्यू डेट है 8/10, मतलब 8th ऑफ अक्टूबर। अगर नेक्स्ट वैकेंसी देख लें तो डिग्री इन, मतलब अगर आपने सीएस और आईटी से किया है तो आपकी रहने वाली है 11/10, मतलब 11 अक्टूबर को आपकी इंटरव्यू रहने वाला है। बीई बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग से किया है तो आपका 12 अक्टूबर को रहने वाला है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, इन्होंने जो मांगा है किसी भी प्रकार की सूचना, सिर्फ सूचना में परिवर्तन अथवा संबोधन, साक्षरता की तिथि संबंधी सूचना में परिवर्तन, आवेदन फॉर्म आदि केवल हमारी वेबसाइट पर मिलेंगे। इन्होंने बोला है कि जो भी इन्फॉर्मेशन अगर चेंज होती है फ्यूचर में तो सिर्फ हमारी वेबसाइट पर ही वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके साथ साथ जो क्या क्या चाहिए, कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल एजुकेशनल मार्कशीट फॉर ऑल सेमेस्टर ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एंड इनिशियल चेकिंग फॉर अपियरिंग इन वॉक इन इंटरव्यू, अदरवाइज ही विल बी, जब भी आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको ये कुछ मार्कशीट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे ही कैरी करने हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे, वो हटा देंगे आपको। एज लिमिट आपकी जो रखी है मिनिमम रखी है 21 ईयर्स और मैक्सिमम रखी है 50 प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए, और जो इन्होंने जो 21 to 5 ईयर्स, और जो अगर मैक्सिमम फॉर जो प्रोजेक्ट एसोसिएट मतलब जो इंजीनियर के लिए रखी है वो 21 ईयर 35 ईयर्स तक मैक्सिमम रखी है। अगर देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कैंडिडेट शुड रीड द एडवर्टाइजमेंट प्रॉपरली एंड फिल द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इन विच एप्लीकेंट शुड मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, परसेंटेज ऑफ ईयर, मदर, ईमेल एड्रेस, एंड देन अलॉन्ग विद ओरिजिनल रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑन द डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। इसके साथ साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये जो इन्होंने एनेक्शर दिया है इसके साथ अटैचमेंट का, ये आपको लेके जाना है और इसमें अच्छी तरह, बिल्कुल अच्छी तरह इसमें सबमिट करना है, और मतलब जो भी लिखना है उसमें अच्छी तरह लिखना है, बिल्कुल ध्यान से। कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू कैरी द कन्वर्सेशन फार्मूला ऑफ CGPA, DGPA, OGPA इन परसेंटेज एंड देयर कम, अगर किसी की CGPA है उसे परसेंटेज में निकालनी है तो CGPA जितनी भी आई है मल्टीप्लाई 9.5 कर लीजिएगा, उसकी परसेंटेज मार्क्स निकल जाएंगे। इसके साथ साथ अभ्यर्थी जो साक्षर की तिथि का है उसके पूर्व में भारत में कहीं भी किसी संस्थान में किसी प्रकार का नियमित कोर्स से नामांकन कराए हुए हैं तो वह विभाजित पद हेतु आयोग्य माना जाएगा। इसके साथ साथ ये किसी को मतलब का नहीं है। इसके साथ साथ प्रयोजन सहायता में कार्यालय की अवधि, दोस्तों मैक्सिमम जो टेंचर रहेगा इसमें 5 ईयर्स का रहने वाला है, तो यही इसने लिखा है। इसके साथ साथ ये जो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखने हैं, 10th की मार्कशीट, इसके साथ है 12th की मार्कशीट, इसके साथ है डिप्लोमा या बीटेक की मार्कशीट, इसके साथ साथ जो आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है अगर आपके पास है तो हायर पोस्ट के लिए, वो SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो उसका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, और नॉन क्रीमी लेयर मतलब OBC से, नॉन क्रीमी लेयर से कर रहे हैं तो उसका OBC मार्कशीट, और निःशुल्क सामान्य श्रेणी अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो मान्य अधिकारी द्वारा नियुक्त अध्ययन प्राप्त EWS वाले भी अपना डॉक्यूमेंट लगा देंगे। इसके साथ साथ जो क्या रहने वाला है जी, इन्होंने जो मेंशन किया है चुने हुए अभ्यर्थी चयनित पर आफ्टर, देखिए इन्होंने लिखा है सिलेक्टेड कैंडिडेट में डिप्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोजेक्ट साइट, जो आपको ऑल इंडिया में कहीं भी डिप्यूट कर दिया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी ऑफ डिस्पेंसरी ऑफ इंस्टीट्यूट मिल भी अवेलेबल साइट, सिलेक्टेड कैंडिडेट मेडिकल फैसिलिटी आपको अवेलेबल प्रोवाइड होगी। इसके बाद हिंदी लैंग्वेज और ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू, हिंदी जो ऑप्शन है मतलब आप डायरेक्ट हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो अभ्यर्थी वर्णित साक्षर द्वारा ये पूरा का पूरा मेंशन कर दिया है। इसके साथ साथ ये वेबसाइट पे आपको जो है भारत का किए जाने हेतु
इन्होंने ये मेंशन किया है, इसके साथ साथ इन्होंने जो आपसे ये कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं भी अपने वेबसाइट पे इसको पोस्ट कर दूंगा कहाँ ये होने वाला है। वैसे झारखंड में होने वाला है, धनबाद में, जाके आप जा सकते हैं। अगर आपकी तैयारी है तो आपकी बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।